आई लव यू रिप्लाई करो आई लव यू टू। अच्छा फर्स्ट टाइम भी ऐसे किया था, फर्स्ट टाइम नाम लेकर आया था उस टाइम तो सोनिया आई लव यू। अच्छा अच्छी खासी इनकम करो। सबसे महंगा क्या खरीदा है मैम अब तक आपने? सबसे महंगा गाड़ी कितने की? अभी ये पहली स्टार्टिंग में हमारी जो गाड़ी थी वो वेन्यू ली थी हम लोगों ने, वो 10 लाख रुपए की थी। अरे ओनली इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इससे यूट्यूब इंस्टाग्राम सारी चीज़ों से 10 लाख की देख लो यार। ये थार कितने की है? सोनिया मीना लिख रखे इसके ऊपर। ये पड़ी है भैया 19 की। अब जॉब करना ही है, दोनों की सैलरी की बात हुई हमारी कि 9,000 रुपये दोनों को सैलरी मिलेगी। क्या काम करना था उस टाइम आपको? मतलब कंपनी में था अपना। मैम पहली बार देखी, क्या खूबी लगी थी मैम? एक खूबी बताना, क्यूट हेयर रखा था क्या? मैंने इसकी इनकी स्माइल थी वो बहुत अच्छी। वो तो सबको लगती है वो बस वही देखा। ऐसा क्यों होता है लड़कियां एटीट्यूड दिखाते थे, लड़के दिखाते बेचारे यार किसी को देख के मोहित हो जी हैं। ऐसा क्यों लड़कियां एटीट्यूड दिखाना? वो तो क्या बता, आदत होती है लड़कियों की। उन्होंने लगे मैम की टिकटॉक पर डाल दी कमेंट आकर देखे मैम लाइक करूँ, उन कमेंटों को कैसे फेस करते उस टाइम पे? अब कमेंट का देखो स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा है, नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे पॉजिटिव भी आते थे। अब लेकिन वो चीज़ें थी ना कि यार हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद इसका सुमित दलाल की उतर हमारा, तो फिलहाल मेरे साथ देख लिया करो फ्रेम में जो चेहरा है देखते पिछाने के हो गए भाई। पूरा राजस्थान नहीं ला रखे वीडियो बना के, कला राजस्थान नहीं हरियाणा यूपी पंजाब पूरा भारत ही ला रखे मैं हमने वीडियो बना के इतनी फैमिली कंटेंट बनाओ कोई नहीं भाई बोल गटिया कंटेंट बना हुआ है। तब तो भाई बहुत क्वेश्चन आए थे कि मैम को इंटरव्यू करिए, तो सारे क्वेश्चन आज पूछा कि मतलब कैसे लव मैरिज हुई, किसको पहली बार प्यार हुआ, किसने प्रपोज किया था, तो आपके सारे क्वेश्चन है जो मन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे साथ है मैम, तो मैं सबसे पहले राम राम साहब चैनल पे। तो राम राम सभी को। कैसे मैम? बस बढ़िया। तो राम राम दीपक भाई। राम राम जी, कैसे हो? बस बढ़िया, सब आशीर्वाद आप सब। राम राम में कंफर्टेबल है? नमस्ते में। बिल्कुल राम राम में कंफर्टेबल है, हमारे राजस्थान में तो राम राम जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम, जय बाबा की। तो बहुत सारे फायदे में हरियाणा में भी यूपी में पंजाब में आपसे मिलना चाहते, कहाँ मिले लोकेशन बता दो। जिसको भी भाई को या जिनको भी मिलना है हम लोगों से, तो हमारा जो एड्रेस है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है विजयगढ़, वहां पर आकर आप लोग मिल सकते हैं। गांव के अंदर ही हम लोग रहते हैं 24 घंटे भी हो? बिल्कुल गांव ही रहते हैं एनी टाइम, रात को 1 बजे 2 बजे कभी भी हो। बिल्कुल रात में थोड़ा मतलब ये 11-12 बजे बाद थोड़ा फैमिली की वजह से थोड़ी चीजें देखनी पड़ती है, बाकी कभी भी मिल सकते हो कोई इशू नहीं है। तो सर आपकी देखा भाई सोशल मीडिया जर्नी सब ना पता क्या स्टार्टिंग करी, बैक स्टोरी जानना चाहो भाई, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? तो हमारी लव मैरिज है। नहीं चलो लव मैरिज से पहले की बात करेंगे भाई, फैमिली का, फैमिली कैसा हुआ था आपका? मतलब लव मैरिज से पहले फैमिली आप का क्या करते थे उस टाइम पे? मैं क्रिकेट ही खेलता था, स्टडी भी चल रही थी मेरी। स्टडी कितने की आपने? मैंने अपना जो कॉलेज है वो कम्प्लीट किया हुआ है, बीए मेरा बी ए ग्रेजुएशन। राजस्थान से या कहीं और से? नहीं राजस्थान से ही, पास में ही कॉलेज से मैंने किया है। अच्छा हाँ जी। आपने मैम? मैंने भी मेरे गांव से ही की है। अच्छा मतलब एक कॉलेज में पढ़ते थे? नहीं नहीं, वहाँ से लव स्टोरी शुरू नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग था सब। हाँ तो कौन सा ज्यादा पढ़ रहे आप दोनों में से? मैं ही हूँ ज्यादा। अरे इनकी फर्स्ट ईयर चल रही है अभी। अच्छा अभी फर्स्ट ईयर के बाद बंदे कितनी हो गई आपकी? मेरी ऐसे तो 23 हो गई, और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो वहाँ 2001 के मेरी। ऐसे क्या मतलब? वो मतलब थोड़ा छोटा दिखा क्रिकेट खेलते थे इस वजह से? नहीं और एक्चुअली में थोड़ा समझ भी नहीं था उस टाइम, पापा और सभी मतलब तो स्कूल में रखा, तो उसी टाइम जिस टाइम स्कूल में रखा था दो एक साल बाद तो वही एज करवा दी। वही करवा दी, उसकी दिक्कत नहीं आई भाई? नहीं उसमें नहीं आई कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं। वो मतलब जब आती है दिक्कत तो ज़्यादा, तो जब किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपन लोग अप्लाई करते हैं तब जाके चीजें थोड़ी हो सकती है। तो फैमिली कंडीशन कैसी थी सर आपकी? फैमिली कंडीशन सभी लोग देख रहे हैं स्टार्टिंग से, तो फैमिली कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी स्टार्टिंग में। बहुत सारी चीजें बहुत सारी समस्याएं हम लोगों ने देखी है, अपनी जो जीवन था उनमें उतार चढ़ाव भी देखे हैं, अच्छा और बुरा वक्त दोनों देखा है हम लोगों ने। तो आपकी कैसी थी मैम? वही सेम सेम दोनों की मतलब सेम है बस। हाँ 50-50 दोनों की। हाँ ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर। बिल्कुल सही। हाँ तो चलो ना फैमिली भी आपकी दोनों की सेम थी। चलो मिले कहाँ थे पहली बार? शादी मिले थे या कहीं कॉलेज स्कूल? मतलब इनकी नहीं चलो सर मैं बताऊँ सारी स्टोरी। मतलब वो इनकी बुआ की बुआ रहती है मतलब यहाँ पास में गाँव है, तो मेरा दोस्त है तो मैं वहाँ गया था, ये भी आए हुए थे वहाँ, तो पहली बार हम लोगों ने वहाँ एक दूसरे को देखा था। देखा था उससे पहले कभी नहीं देखा? नहीं उससे पहले। मतलब आपकी बुआ बिहार की मैम के गांव में? हाँ। अच्छा आपने देखे थे मैम कभी? नहीं कभी भी देखे उसी टाइम फर्स्ट टाइम देखे? हाँ तो फर्स्ट टाइम सर आपने देखे, कैसे लगे? चलो बढ़िया भाई, ये कैसे देख रहे हैं मेरी तरफ, कौन है ये?
पहली बार देखते प्यार अच्छा। आपको क्या ना बिल्कुल अपना मैम देख लेता हूँ सर क्यों घूर रहा है मेरी तरह ये बंदर की तरह कौन है ये ऐसा लग गया नहीं नहीं आपको प्यार हो गया था नहीं मतलब इन्होंने तो बात ही नहीं की थी बात नहीं की थी इन्होंने फिर मैंने ट्राई किया था तो 10-15 दिन बाद बात हुई थी हमारी कैसे ट्राई किया मतलब कैसे कॉन्टेक्ट नंबर मिला किसने वो मेरे दोस्त और दोस्तों के परिवार में मतलब ऐसे कॉन्टेक्ट करके मैंने नंबर लिए थे मैम आपके पास फोन था तब नहीं फोन तो नहीं था घर का ही फोन घर का फोन था हाँ। आपको लगा नहीं घर का फोन बुक करूंगा कोई मम्मी नहीं उठा देंगे पापा ने उठा बोल देंगे रॉन्ग नंबर था आवाज कैसे पहचानते चलो मैम आवाज पहचान जाता मैंने बातें सुनी थी इनकी बातें अच्छा तो चलो अपना कॉल बिक्री नंबर मिल गया फिर मैम ने उठाया किसी और ने उठाया नहीं स्टार्टिंग में तो मैंने कम से कम 5-6 दिन ट्राई किया था तो फोन किसी ने पिक किया ही नहीं था फिर बाद में धीरे धीरे बात की तो मना कर दिया था इन्होंने लेकिन वही है हार नहीं मानी रिंग जाते पे उठाता नहीं फोन हार नहीं मानी तो कहाँ पर जाए थे मैम फोन नहीं उठा रहे अभी इतना तो मेरे को पता नहीं है अभी याद नहीं है तो चलो फिर अंत में मैम ने फोन उठा लिया था आपका बिल्कुल बिल्कुल बात हुई फिर धीरे क्या बात हुई फर्स्ट टाइम क्या कहा आपने रॉन्ग नंबर मिल गया है या ऐसे ही हम भाई पहचान गए मतलब वो सारी चीजें भाई मैंने वहां देखा था फिर इनके थोड़ा हाँ कि दिमाग में आई चीजें कि हाँ यार वही है अच्छा तो फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो दिखाया था जो लड़के चलो मैम ऐसा क्यों होता है लड़के एटीट्यूड दिखाते थे लड़के दिखाते बेचारे यार किसी को देख के मोहित हो जी है ऐसा क्यों लड़के एटीट्यूड दिखाते क्या बता आदत होती है लड़कियों की कि लड़के तो बेचारे चलो कोई देखी भाई उसे की तरफ हाँ सुंदर है ठीक है लड़कियां तो एटीट्यूड दिखाऊंगी भगवान ने शायद वो दे रखा है कितना एटीट्यूड दिखा था आपने लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी है वैसे आपसे बात कर ली थी बिल्कुल बात करने के बाद हमारा बात होती चली गई फिर हाँ धीरे धीरे कब रिश्ता आगे बढ़ा सारी चीजें हुई और कब शादी के बंधन में बंध गए पता ही नहीं चला कितने साल बात करी थी आपने 3 साल बात की थी हम लोगों ने लगातार प्रपोज कब किया फिर शादी के लिए हाँ नहीं आई लव यू कब बोला फिर आपने अच्छा अच्छा नहीं नहीं वो तो फिर महीने भर बात हुई थी आपने बोल दिया था हाँ बोलना तो पहले चाह रही थी बिल्कुल तो मैं आपको पता लग गया सर आपने लाइक करे हैं प्यार करे हैं अच्छा लेकिन वही एक डर रहता नहीं यार कहीं ऐसा ऐसी चीज अपन बोल दे और वो कहीं रिश्ता ही खत्म कर दे नहीं सर आपको डर था चलो यार भाई ना बोल दे मुझे नहीं 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 ऐसे तो नहीं था मैं कॉन्फिडेंट था वैसे तो अच्छा भाई भाई नहीं बोलेंगे तो चलो अब सर से बात की मैम सर ने आई लव यू का आपको फिर कैसा लगा सुन कैसे नहीं होता यार यू क्या बोल दिया इसने मतलब रहता ही है थोड़े बहुत दिन तक बात नहीं करते थे फिर धीरे 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 हो गया फिर अटैचमेंट हो गई दोनों की हाँ मतलब सबसे बड़ी चीज होती है रिलेशन में एक दूसरे को समझना रिस्पेक्ट करना दूसरे हाँ और एक दूसरे की इज्जत करना बाकी चीजें अगर आप एक दूसरे का साथ लेके चलोगे सारी चीजों के जो जिन चीजों को ये अहमियत देते हैं हम लोग उनको अहमियत देंगे तो रिश्ते बन जाते हैं उनमें समय नहीं लगता रिश्ते बनने में तो मैं अपने मतलब क्या सोच रखा था जो मेरा हस्बैंड हो क्या खूबी होनी चाहिए उसमें उस टाइम पे क्या सोचा था आपने उस टाइम इतना दिमाग ही नहीं था दिमाग होता से पहले सर आ गए तो चलो आई लव यू बोल दिया दूसरे को चलो फिर सब सौदा सेट हो गया तो शादी फिर कब करी शादी हम लोगों ने की थी 2019 में फैमिली मान गई थी हाँ फैमिली ने एक्सेप्ट किया था बाद में मतलब मान गए थे उसी टाइम 8-10 दिन बाद स्टार्टिंग में रहती है चीजें तो थोड़ी थी बाकी फिर हो गया था सब तो शादी भी हो गई सब हो गया अब लाइफ कैसे चल रही है अब लाइफ भगवान की दया से आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से अच्छा है सब कुछ शादी का लड्डू खा के पछता रहे खुश हो नहीं मतलब लोग सोचते हैं कि शादी होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती है परेशान होते हैं कहीं लोग मायके जाती है खुश होते हैं मेरा ऐसा सिस्टम कभी नहीं वैसा नहीं कभी नहीं मैं तो शादी के लड्डू खा के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आप मैम खुश हो या पछता रहे कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं कि वो मायके जाते ही खुश होते हैं मेरे मेरी वो जाती है कि अच्छा? दो दिन भी जाओ तो मतलब क्या इतना प्यार करते हैं आज ऐसे रखते मतलब स्टार्टिंग से जब से ही आई ना घर पे जब से हम लोग कभी दूर नहीं रहे ये एक दिन दो तीन दिन हाँ कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एक या दो दिन से ज्यादा रुकता नहीं हूँ क्योंकि जो सोशल मीडिया का काम होता है सारी चीजें मैं ही देखता हूँ तो अकेले ये हैंडल भी नहीं कर सकते उन चीजों को तो चलो अपना मैम पहले बार देखी क्या खूबी लगी थी मैम एक खूबी बताना क्यूट है ये लड़का था क्या
मैंने इसकी इनकी स्माइल थी वो बहुत अच्छा, वो तो सबको लगती है वो बस वही देखा था मैंने। अच्छा और नहीं पता था नेचर कैसा इनका वैसा। नहीं मैं मतलब उनकी फैमिली को जानता हूँ, फैमिली में सभी अच्छे थे तो मैं जानता था सब चीज़ें। कहीं ना कहीं क्यूटनेस का मतलब पूरा सहयोग है शादी कराने में। बिल्कुल आप में क्या क्वालिटी लगी, मैं आपने क्या देखा सर में? चलो भाई समझदार है, हैंडसम है, क्या लगा था आपने? बस अच्छे लगते थे। नहीं फिर भी एक चीज था ना, चलो भाई स्माइल क्यूट थी सर की भी, मैं हाइट पसंद थी इनको भी बतानी होगा शायद ये बात। फर्स्ट टाइम बता चली सर। चलो बढ़िया बता दिया। अब और भी लंबे हो जाएंगे। हाइट कितनी सर आपकी? मेरी लगभग 6 फीट। 6 फीट आपकी? मेरी 5 फुट कुछ ही। खाना खा लिया आपने ये करना जरूरी है, जरूरी देखो वो दिखाना पड़ता है बिल्कुल। हाँ तो चलो आप क्या करते हैं अभी जी, आप क्या करते हैं? आप सीधे बोलिया करते हैं? अब तो सीधे ही बोलते हैं। आप सीधे बोलते थे? नहीं उस टाइम नहीं हम, हाँ मतलब हाँ। ये अभी जी नहीं मतलब हम तो नॉर्मली बोलती थी मैं तो। अच्छा मतलब, अभी मतलब हम दोनों अगर अकेले में रहते हैं तो हम ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन पास हो तो कोई जैसे किसी कहीं बाहर जाते हैं किसी के सामने होते हैं तो थोड़ा वो बात करते हैं भाई आपका। हाँ बिल्कुल जैसे एज ए फ्रेंड के जैसे रहते हैं बाकी घर पे। तो चलो एक साल सर ना आपका एक बार तू तड़ाक पर कब आए गए थे यार, तो क्या कर रही है कहाँ जा रही है? फिर धीरे धीरे आने लग जाते हैं रंग दिखाने लग जाते हैं फिर धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है सर? तो स्टार्टिंग में तो भाई आप कहूंगे फिर तू तड़ाक पर बात है जी, फिर प्यार कहाँ चला जा रहा है? तो फिर मैंने वो चीजें आदत डाली धीरे धीरे। हाँ। तो सब वही है। अब शादी कितने साल हो गए? शादी को हो गए हमारी को 4 साल हो गए। 4 साल मतलब अच्छा एक लड़की भी गुड़िया में भी आपके। हाँ अब तो ये कब आप भाई वीडियो बनाओगे फेमस होवांगे? वो किसका ध्यान माता पहले आपके या मैम के? वो मेरा वो इनका ही था, मेरा ही था। हाँ। स्टार्टिंग में क्योंकि मैं फेसबुक पे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, मतलब फोकस था पूरा। हाँ मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो आज वहाँ जीते यहाँ जीते तो उन चीज़ों को मैं क्या दूसरों को देखता था, नोटिस करता हाँ। था लोगों को। आपके कितने फॉलोअर थे उस टाइम पे? मैं इंस्टाग्राम पे था, औरों को देखते थे आप? हाँ औरों को देखते थे। तो मेरे को पता था कि सोशल मीडिया था उसमें जो कपल्स होते हैं उनको मैंने देखे थे टिकटॉक पे, बहुत सारे कपल्स थे जैसे खुशी विवेक थे तो उन लोगों से हम इंस्पायर हुए। कौन से सन की बात है? 2018-13? नहीं ये बात थी 2019 की। 2019 में हम दोनों मतलब वीडियोस तो हम 18 से देख रहे थे। हाँ, हाँ। तो फिर 2019 में हम लोगों ने सोचा कि यार जब ये दोनों कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ नहीं एक होता भाई मैम क्या खूबी लगी, चलो भाई वायरल हो उसका इंस्टाग्राम पे। मैं देखो खूबी तो थी, मेरे को पता है कि अच्छे दिखते हैं, स्माइल अच्छी है तो उसमें तो नो डाउट था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको मोहित कर दिया स्माइल। लेकिन इतना वो नहीं था कि इतने जल्दी फेमस हो जाएंगे। हाँ। और फिर मेरे दिमाग में वो चीजें थी क्योंकि सभी लोग शहरों से थे, शहरों की चीजें दिखा रहे थे तो हम लोगों को था कि हम लोग गाँव के कॉन्टेंट दिखा सकते हैं लोगों को तो हो सकता है हम लोग वायरल हो जाए। तो रेगुलरली हम लोगों ने लगभग 1 महीने 1.5 महीने हाँ ती करीबन 4 महीने तक वीडियोस डाले थे। हाँ। करीबन 130-140 वीडियो डाल दिए थे हम लोगों ने कंटिन्यू रोज की 4-5। हाँ मतलब 140 वीडियो गए थे टिकटॉक अकाउंट पे टोटल। और व्यू कितने आते उस टाइम पे? उस पे 10-20-30 लाइक 20 लाइक। एक वीडियो में 100 लाइक आ गए थे, खुश हो गए, खुश हुए थे, वायरल हो गए। वो मैंने इनको पता नहीं था मैंने बना के डाली थी। और फिर उसके बाद में मैंने एक ट्रेंड चला था चीजों को दिखाने का, तो एक छोटा पत्थर था तो उसको ऐसा मैंने क्रिएट किया था कि कोई बड़ा पत्थर हो तो उसको मैंने हाथ में पकड़ा। अच्छा मतलब एडिटिंग में कर दिया। हाँ तो उस वीडियो पे अच्छे व्यू आए थे मेरे अकेले वाले वीडियो पे, उस पे 50-60 हज़ार व्यूज आए। आपके आईडी पे मैम के आईडी पे दोनों की आईडी मैम एक ही थी, एक ही आईडी थी हमारी दोनों की। हाँ तो फिर मेरे को लगा कि यार हो सकता अपन ग्रो कर सकते हैं इसमें। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोनिया को बताया कि यार हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, चीजें दिखानी चाहिए। तो एक दिन ये खाना खा रहे थे ऐसे, तो ऐसे फनी
मजाक के तौर पे किया था मैंने, इनके मुंह को ऐसे कर दिया मैंने उसमें एक रैंडमली कर दिया। हाँ रैंडमली एक साउंड भी चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था हॉर्न बजाने का था। अच्छा अच्छा हॉर्न का ट्रेंड था मुंह से। हाँ तो वो वीडियो डाल दी, चार दिन हो गए कुछ ही उस पर, वही जो नॉर्मली आते थे 20-30 व्यू, 5-7 लाइक। मैं क्रिकेट खेलने गया हुआ था गर्मियों के दिन थे, लगभग अप्रैल मई का टाइम था, मेरा फोन 2019 की बात है। हाँ फोन जेब में पड़ा हुआ था तो बार बार फोन में वाइब्रेशन हो रहा था, मैं सोच रहा इतने नोटिफिकेशन किसके आ रहे हैं। मैंने फोन निकाला, मैंने देखा उस पर 8,000 लाइक है और 1,00,000 व्यूज है। फिर मैंने रख दिया फोन, फिर थोड़ी देर बाद देखा उसमें 10,000 चले गए, 12,000 चले गए, ऐसे ऐसे वो वीडियो वायरल हुआ। अब क्या सोच लिया इस वीडियो कितने लाइक होने चाहिए, 10,000, 20,000? मैं तो वही होता ना ये आदमी की जो लालसा वो कभी खत्म नहीं होती चीजों को लेकर, मुझे यार मिलियन जाने चाहिए, मिलियन जाने चाहिए। लेकिन फिर वो एक टाइम पे आके रुक गया। वो कितने पे आके रुक गए? 50,000 लाइक, 61,000 लाइक आए थे उस पे उस टाइम पे। हाँ तो फॉलोअर्स हो गए थे 10,000 के आसपास हमारे उस वीडियो से। हाँ फिर उसके बाद में सोनिया खाना बना रही थी तो मैंने जो खाना बना रही उस टाइम इसका एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो शायद हमारी जिंदगी बदलने वाला था वो वीडियो। उस वीडियो को जैसे ही हम लोगों ने डाला तो उस दिन तो नहीं उसके एक दो दिन बाद वो वीडियो निकला और उस पर लगभग 40 मिलियन व्यूज गए एक वीडियो पे। एक वीडियो पे 40 मिलियन व्यूज थे और 2.4 मिलियन लाइक थी। तो वो वीडियो इतना वायरल हुआ तो फिर कभी रुके ही नहीं। फिर तो उस वीडियो के बाद तो जो भी डालते कुछ भी कामयाबी नाच पकड़ लिया। फिर तो फिर वीडियो निकलते 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 फिर इशू क्रिएट हुए। फोन था नहीं हमारे पास, फोन का जो बैक कैमरा था फूटा हुआ था। उस टाइम पे कौन सा फोन था आपके पास? MI का फोन था, 9,000 रुपए का फोन लिया था हमने, नोट 4 उस टाइम पे वो। हाँ Y2 कुछ ऐसे करके, हाँ पिक्सा फिंगरप्रिंट वाला। तो वो फोन था हमारे पास, उसमें ये जो रियर कैमरा था वो फूटा हुआ था। फ्रंट कैमरे से हम लोग वीडियो बनाते थे ऐसे में पकड़ के और सोनिया को ऐसे दिखाता था। उसमें नई क्वालिटी नहीं थी कोई भी, वीडियो ऐसे चिपक जाता था फिर चलता था चिपक जाता, वो चीजें थी। फिर धीरे धीरे फॉलोअर्स हुए, 3,00,000 फॉलोअर्स हुए। वो फोन भी खराब हो गया और पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम लोग नया फोन ले सके। तो जैसे यार दोस्त होते थे उनके फोन से वीडियोस बनाए तो ऐसे काम चलाया। फिर धीरे 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 चीजें बढ़ी। मैं क्रिकेट खेलने जाता था, पैसे इकट्ठे किए, फिर एक सेकेंड हैंड आईफोन लिया हम लोगों ने। कितने रुपए का लिया था उस टाइम पे? हमने लिया था 13,000 का iPhone 6s। फैमिली को पता था ये फोन ले लिया? हाँ फैमिली को पता था। हाँ। क्योंकि धीरे वीडियोस निकले, फैमिली ने भी सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे इनकम स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे? नहीं इनकम स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम पे, टिकटॉक से हम लोगों ने कोई इनकम नहीं ली। हाँ। तो फिर फोन लिया, फोन लेने के बाद में वीडियोस बनाए, स्लो मोशन नाम की चीज देखी हम लोगों ने आईफोन में। क्योंकि हम लोग दूसरों के वीडियोस देखते थे, मैं तो हम सोचते थे कि यार ये वीडियोस रुक कैसे जाते हैं, स्लो कैसे हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें देखी, फिर उसके बाद में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। आईफोन से अच्छा सपोर्ट मिला, स्लो मोशन डाले चूल्हे के पास के, ऐसे ज्यादातर वायरल हुए थे। फिर तो वीडियोस वायरल होने लगे, फिर धीरे धीरे फिर 1 मिलियन पे पहुंच गए। फिर वो भी मैं क्रिकेट खेल रहा था फोन, तब वो गिर गया। फिर आईफोन से वापस एंड्रॉइड में आ गए, मतलब बुरा टाइम फिर शुरू। हाँ फिर किया धीरे धीरे चीजों को, फिर एंड्रॉइड से ही किया था हम लोगों ने। आईफोन तो फिर बाद में लिया जब ये इंस्टाग्राम आया ना। हाँ। उस टाइम उस एंड्रॉइड से हम लोग 3.5 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए थे हम लोगों ने टिकटॉक पे। मतलब क्या इसका एंड्रॉइड का था आपको वायरल करने में? हाँ बिल्कुल, देखो वो तो है लेकिन आजकल का जो जमाना है, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सोशल मीडिया पे वो कॉम्पिटिशन चल रहा है। हाँ। आदमी बेहतरीन एक से एक बढ़कर चीजें जनरेट कर रहे हैं जिनसे वो क्वालिटी दे सके, लोगों को दिखा सके। बाकी पहले इतना वो नहीं था। हाँ। उस टाइम तो पहले तो नॉर्मल वीडियो भी अच्छी चलती थी। हाँ नॉर्मल वीडियो अच्छी चलती थी, अब तो एडिटिंग सारी चीजें बहुत कॉम्पिटिशन हो गया। सिंपल वीडियो डालता वही चल जाएगी अभी भी, हमारी तो वही चलती है, सिंपल ही बनाते हैं ना वही। हाँ, चलती जितना है। हम चीजों को मतलब ऐसे करने की सोचते हैं ना कि यार वो चलती नहीं, वो नहीं चलती। जितना मेहनत करते हैं उतनी नहीं चलती। हाँ। बाकी जो हमारी जो नॉर्मल वीडियोस होती है जैसे चूल्हे की गांव की वो निकल जाती है। हाँ। नहीं चला वीडियो बनाने लगे मैम की टिकटॉक पर डाल दी, कमेंट आकर देखे मैम लाइक करूँ, उन कमेंटों को कैसे फेस करते उस टाइम पे? अब कमेंट का देखो स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा है, नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे पॉजिटिव भी आते थे। अब लेकिन वो चीज़ें थी ना कि यार कुछ लोग होते हैं अपन कितना ही अच्छा काम कर ले कितनी अच्छी चीज़ें कर ले लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो कहीं पे भी टांग खींच सकते हैं। हाँ। उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अच्छे कमेंट्स करने वालों को देखकर हम लोग ये सोचते थे कि ठीक है यार इतने लोग प्यार तो करते हैं, अगर दो लोग नफरत करते हैं तो 10 प्यार करने वाले हैं। अपन लगता है मैम कि नेगेटिव कमेंट यार मैं नहीं करूँगा ये काम,
बहुत बार क्या पहले तो प्रॉब्लम फेस ही नहीं करी, लगता था बुरा वो जब स्टार्ट ही हुआ था ना तब, अब तो ये तो लोग कुछ भी बोलेंगे। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो वीडियोस डालते हैं उनमें कमेंट्स आते हैं तो घर वाले चेक करते हैं, तो जैसे गलत कमेंट्स आ गया, दीदी का फोन आ गया, ये कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो चीजें भी थी, उन सब चीजों को फिर निकलना। और फिर वीडियोस की स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस की ना वो बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि गांव में ऐसी चीजें अलाउ नहीं होती। नहीं, चलो कभी किसने ऐसा कहा था यार अपने वाइफ को क्यों आगे ले आ रहा है, तो खुद मेहनत कर, ऐसा कहा था कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला सभी ने, जिन्होंने बोला ना, देखो फेस टू फेस हम लोगों को पर्सनली किसी ने नहीं बताया, क्योंकि लोगों का ही होता है ना कि मुंह के सामने कोई नहीं बोलता। जैसे परिवार के लोग है, हम थे गरीब परिवार से थे, कोई भी हम लोगों को दबा सकता था। मम्मी पापा को बोलते थे, हम तो नहीं बोलते थे कोई, कि तुम्हारे बेटा को ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं, शर्म नहीं आती क्या? आपके फ्रेंड को नहीं कहा किसी ने आपके साथ पढ़ती थी यार क्या करने लग गई, तुम तो इंटेलिजेंट थे अब क्या करें, किसी ने कुछ नहीं कहा? क्योंकि फ्रेंड वगैरह से तो कांटेक्ट ही नहीं था ना मेरा, मम्मी पापा ने कहा उस टाइम पे कुछ? हां, मम्मी पापा और सब बोलते थे बस। अच्छा, हां, अब उनको भी दूसरे लोग बताते थे ना बाहर, तभी कहते थे जैसे आस पड़ोस में कहीं निकल गए, यार तेरे तेरी बेटी क्या कर रही है, मेरे पापा बहू, तेरे बेटा बहू क्या कर रही है, ये तो जीभ निकाल रही है, दांत दिखा रही है, हंस रही है, वो सारी चीजें थी। तो फिर पापा आते डांटते, जैसे उनकी डांट पड़ती एक दो दिन बंद करते वीडियोस, भाई नहीं बनाएंगे अब। कभी अंकल जी ने ऐसा ना कहा चलो सारी वीडियो डिलीट कर दे, अकाउंट डिलीट कर? नहीं, इतना इतना समझते नहीं है ना डिलीट करना वो सारी चीजें, बाकी उन्होंने बोला कि वीडियो मत बनाना आज के बाद, तो फिर दो दिन बंद करते, तीसरे दिन वापस चालू। लोगों के कमेंट आते, मैसेज आते, वीडियो बनाओ। हाँ, लोगों के मैसेज भी आने लग जाते थे, क्योंकि टिकटॉक पे भी ऑप्शन था मैसेज का, तो डायरेक्टली वहाँ पे भी मैसेज आ जाते। तो चलो टिकटॉक डिलीट हो गया, उसके बाद मिलियन फॉलोअर्स उस पर? हाँ, 3.5 मिलियन। हाँ, तो डिलीट हो गया, फिर कैसा लगा मैम आपको? तो सैड कितने हुए? रोए तो नहीं थे, लेकिन दुख बहुत हुआ था। कि कितने डिप्रेशन में रहे? हाँ यार, क्या होगा यार, मैं तो लाइफ ही चेंज हो गई। दो महीने तक तो बंद ही था हमारा, फिर इंस्टाग्राम इतना हुई नहीं था। हम लोग मतलब टिकटॉक बैन हुआ था उस टाइम, हमारे इंस्टाग्राम पे 35,000 फॉलोअर्स थे। इंस्टा पे कर लिए थे अपने उस टाइम पे भी? हाँ, 30,000-35,000 फॉलोअर्स थे हमारे इंस्टाग्राम पे। तो हम लोग मतलब एक वो होता है ना कि कहीं कुछ काम में अगर हम लोग असफल हो जाते हैं तो ताने पड़ने लग जाते हैं। तो वो कहा भाई स्टार आएंगे, ये देखो ये स्टार आएंगे, ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं, कमेंट्स में और जो मैसेज आते थे मैसेज के अंदर बोलने लगे तो, स्टार आएंगे, अब तो हो गया, तुम क्या करोगे, वापिस वही बकरियां चराओगे, खेत खोदोगे, वो सारी चीजें थी। तो वो करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया हम, कि ठीक है यार जो भी है। हम लोगों ने एक प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई किया उस टाइम दोनों ने, कि जयपुर काम करेंगे दोनों। तो लगे प्राइवेट जॉब, हम लोगों ने रिज्यूम भेज दिया था, रिज्यूम भेजा वहाँ से, वो सारी चीज़ें कि यार अब जॉब करना ही है। दोनों की सैलरी की बात हुई हमारी कि 9,000 रुपये दोनों को सैलरी मिलेगी। क्या काम करना था उस टाइम आपको? मतलब कोई कंपनी में था, क्या काम था सोने? मतलब कार्ड्स वगैरह होते ना, ये वो कार्ड बनाते हैं, मतलब कोई शादी कार्ड या कुछ और। हाँ, मतलब जो भी ये इनविटेशन कार्ड होते हैं बहुत सारे, तो उनमें उनकी कोई कंपनी थी तो वहाँ कोई वर्क था, उनको जैसे जमाना वो करना सारी चीजें उनका काम था। दोनों का एक जगह काम करना? हाँ, दोनों का एक जगह ही था। तो हम दोनों ने कि दोनों चलेंगे, और फिर थोड़े हम लोगों ने क्या थोड़ा फंक्शन किया था उस टाइम, मतलब हमने नहीं, हमारी शादी के टाइम, तो पापा ने पैसे भी लिए थे किसी से, उधार लिए थे 50,000 रुपये, तो वो भी चुकाने थे, बहुत सारी चीजें थी, फाइनेंशियल स्थिति वो डाउन थी बहुत। हाँ, तो भाई चलेंगे 4-5 महीने में पैसे चुकाएंगे, और फिर धीरे धीरे बाइक लेंगे, ऐसे सपने थे सारे। तो फिर जैसे ही मतलब यहाँ जाने वाले थे वहाँ, फिर लोग जो हमारे साथ के थे, जो हमसे पीछे थे टिकटॉक पे, वो इंस्टाग्राम पे आगे निकलने लग गए। आपके 35,000 कितने हो गए उस टाइम? उनके किसी के 70 हो गए, किसी के 1,00,000 हो गए, और स्टार बन गए वो तो। हाँ, तो मैं देख रहा चीज़ों को, समझ रहा था, तो फिर देखा कि यार हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी बनानी चाहिए। फिर बाद में हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया, फर्स्ट वीडियो चल गई वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया तो जितना टिकटॉक पे सपोर्ट मिल रहा था उतना इंस्टाग्राम मिल गया। हाँ, तो ऐसी वो कौन सी रील थी भाई? एक रील से 20,000, 50,000, 1,00,000 बदे सीधे फॉलोअर? नहीं, मतलब एक रील थी हमारी जिसपे 74 मिलियन व्यूज आए थे, उस पर
4 मिलियन के आसपास लाइक थे, मतलब वो भी चूल्हे की, 35,000 फॉलोवर बता के थे उस वीडियो से, वो भी चूल्हे की थी। अच्छा चूल्हा लकी आपके देखिए, चूल्हा लकी था, चूल्हा साथ में रखे, अगर आप भी रख लेते साथ में इंटरव्यू में भी तो वही चीजें हैं करी। फिर धीरे धीरे वहां पर भी ग्रो होने लगे फॉलोअर्स, और अभी है सभी लोगों के आशीर्वाद से 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। आपके भी 1 लाख से ऊपर है, हमें हमसे पीछे क्यों रह रहे हो, क्या रीजन लगा? देखो एक्चुअल में मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है, क्योंकि जो मेरा सपना, मेरा एक फील्ड अलग था, मेरे को इस चीज का वो नहीं था, इनका सपना था स्टार्टिंग से कि मेरे को ये बनना है, मैं इनमें ट्राई करूंगी, वो सारी चीजें सपना था इनका, तो मैं इनके पीछे खड़ा रहा हूँ हमेशा, इनको फ्रंट में लाने के लिए, बैकबोन आप हूँ मैं, बिल्कुल। तो जितना हो सका मैंने सपोर्ट किया इनको, और अभी भी कर ही रहा हूँ। तो मेरे को ज्यादा कैमरे में आना मेरे को पसंद नहीं है, इनको ही आगे करना है, आगे करना। चलो मैम के 3.5 मिलियन आपके 1 लाख से ऊपर है, मैं आप साहो कि मैम आपसे पीछे रह जाए आने वाला टाइम? नहीं नहीं मैं कभी नहीं चाहता, आप ये मैम आगे रहे हैं बिल्कुल। अच्छा तो चलो आपकी भी आईडी अच्छी चल रही है, मैम की तो बहुत अच्छी चल रही है, तो इनकम कौन सा ज़्यादा कर ले? इनकम का तो देखो वही है कि सोनिया पे ही डिपेंड है सारी चीज़ें, सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मैं मेरे खर्चे है वो मैं खुद चलाता हूँ। आपके आईडी से निकल जाए घर से? नहीं मैं मेरी आईडी से नहीं, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अच्छा तो शर्त लगा खेलो? हाँ नहीं मेरे को फीस पे मैच खेलने जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। तो चलो पहले पेमेंट बता इसको कितनी आई थी इंस्टाग्राम से? इंस्टाग्राम से हम लोगों को कोई पेमेंट नहीं आई थी, नहीं प्रमोशन से आई हो? प्रमोशन से 2,500 रुपये कुछ ऐसे आई थी फर्स्ट पेमेंट, स्टार्टिंग में 500 आई थी दूसरी पेमेंट। क्या करा, स्टोरी लगाई थी, कोई रील बनाई थी, स्टोरी लगाई थी हम लोगों ने। कितने फॉलोवर थे उस टाइम पे? 500 पे थे करीबन 3 लाख फॉलोवर्स थे। 3 लाख में 500 रुपए? हाँ तुम जानते ही नहीं थे, 500 बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम की यार, 500 रुपए मिल रहे हैं। कितने खुश थे आप? बहुत ज्यादा खुश। फिर स्टार्टिंग में हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसमें हम लोगों को महीने के 15,000 रुपए मिल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि साल भर तक आपको वर्क करना है हमारे साथ, महीने के 15,000 रुपए। 15,000 हम लोग घर बैठे 15,000, हम लोग इतना खुश हुए, जैसे 15,000 रुपए डाले उन्होंने अकाउंट में, यहाँ से पापा के पास बाइक थी, बाइक उठा के निकले, मिठाई उठाई ली, पूरे खुश थे। हाँ बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। फिर 15,000 में से 9,000 रुपए हमारे खर्च हो गए। नहीं 500 रुपए क्या किया था मैम आपने फर्स्ट पेमेंट का? वो तो क्या बता, मेकअप का सामान लिया था उससे? नहीं नहीं वो तो अकाउंट में ही पड़े थे बस। अच्छा मतलब ऐसे दिन देखे कि कहीं मार्केट में जाते थे, मेरे को पता है सोनिया ने मतलब कभी मेरे को बताया नहीं, फिर बाद में जब हम लोग ऐसे कभी बैठते हैं बातें करने तब बातें पता चलती है। एक बार इसको एक वो मतलब वो क्या बोलते हैं चूड़िया पसंद आई थी, तो इसका बर्थडे था उस टाइम, तो उसका जो सेट था वो महंगा मिल रहा था, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, तो नहीं ले पाए थे वो चीज, मेरे को पता है अच्छे से। अब वो चूड़ी ले फिर पेमेंट के बाद प्रमोशन बेस पे इतने आते हैं कि पूरी अलमारी बड़ी पड़ी है। तो चलो अब अच्छे खासे इनकम करो, सबसे महंगा क्या खरीदा मैम अब तक आपने? सबसे महंगा गाड़ी कितने की? अभी ये पहली स्टार्टिंग में हमारी जो गाड़ी थी वो वेन्यू ली थी हम लोगों ने, वो 10 लाख रुपए की थी। अरे ओनली इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इससे यूट्यूब इंस्टाग्राम सारी चीज़ें 10 लाख की देख लो यार। ये थार कितने की है? सोनिया मीना लिख रखे थे इसके ऊपर, ये पड़ी है भैया 19 की। अरे 10 लाख 29 लाख तो मतलब खर्च कर दी गाड़ी वीडियो बिल्कुल कर रहे हैं, बाकी वही ये चीज़ है। तो एग्जैक्ट बताया इसको एक महीने में क्या ले इसको आप, एक तो थार ले इसको या ओडी ले इसको, एक हवाई जहाज? इतनी इनकम नहीं है, वो बहुत बहुत टाइम से हम लोगों ने सेव किए थे, हमारे सपने थे वो पूरे करने थे हम लोगों को। मतलब आईफोन तो ले इसको फिलहाल? हाँ आईफोन ले सकते हर महीने। हाँ हर महीने आईफोन ले सकते। तो क्या कहना चाहोगे मैम, 500 रुपये से आईफोन तक का सफर तय कर दिया आपने, कितने खुश हो? बहुत खुश है खुश है बहुत। तो मोटे नहीं हो यहाँ पर? बहुत पहले देखते थे वैसे अभी ऐसे ही। अब वो तो मेरे को भी नहीं पता। खाते नहीं है सर मैम? नहीं खाते हैं, लेकिन मतलब वो होता है ना चीजें जैसे ना किसी की इतनी तो। चीज देते हैं इनको खाने के लिए, उनमें से इतनी सी खाते हैं। अरे आप फिर आप खेल जो सारी। तो 4 सालों के साथ दिन आपकी ने? हाँ मैम की 2 बैड हैबिट बता रहे। हाँ बैड हैबिट मैम की 2 सबसे ज्यादा बैड है जो इरिटेट होती हो? जो बैड हैबिट है वो है कि अगर मैं कहीं चले जाता हूँ और जैसे मेरे को बोला कि 9:30 बजे आना ही है, अगर वो 9:40 हो जाते हैं तो झगड़ा, तो फिर फोन में फोन स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं?
क्या बता जी, फोन कर फोन कर, अभी तक आई नहीं। अब तो नहीं करते हो, पहले पहले रहता ही ना ये बोल के गए तो उस टाइम भी नहीं आ रही है। अब फरी कर दे कहीं बजा, और फिर है ना कॉल भी अटेंड नहीं करेंगे जल्दी से। पहले तो टाइम रहेगा ना कि अभी 9:00 बजे जब तक तो कर लेंगे, लेकिन भाई अब 9 से ज्यादा हो गए फिर कॉल अटेंड नहीं करेंगे। अब फरी कर दे अपना कहीं पर जाओ, स्टार बनेगी अब कहीं पर जाओ। अब फरी कर दे, नहीं ऐसे तो नहीं है फिर भी कर लेते फोन। सेकंड ये है कि मेरे को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं क्रिकेट कहीं पे भी खेलने जा सकता हूँ। लड़ाई इसी बात पे होती थी हमारे, ये खेलने नहीं जाने देते क्यों, मैं आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो अब क्या, दोनों में नहीं होता ना, या तो फिर सोशल मीडिया में ध्यान दो या फिर क्रिकेट में ध्यान दो। अब क्या करना चाहिए, बस कुछ ही नहीं है बाकी। अब क्रिकेट छोड़ना पड़े आपको। हम अभी जाता हूँ, मैं बहुत कम कर दिया क्रिकेट। पहले तो डेली सुबह निकलते थे, शाम को आते थे 9-10 बजे। आपकी वीडियो नहीं बनाते इस टाइम पे? हाँ वीडियो एक साथ ही बना लेते थे फिर। मेरे को जब भी होता है कि मेरा जो टूर्नामेंट है वो आने वाला है, मैं कहीं खेलने जाऊंगा, तो मैं 5 से 6 दिन की वीडियो एक साथ ही बना देता था। ये जल्दी से कोई बात नहीं मानते एक तो। जैसे कि बताओ बताने लायक। अच्छा नहीं है। वही बात नहीं मानते, खेलने के लिए मना कर दूंगी ना मैं तो बस थोड़ी देर तो ठीक है नहीं जाऊंगा, फिर वापस से मनाने लग जाएंगे, बस जल्दी आ जाऊंगा मैं। ये चलो कोई चीज देख ले, अपना दिला दे अपना तो भी। हाँ ऐसा तो वैसे क्रिकेट आपके सोचता ना कैस का। हाँ और सेकंड और सोचो सोचो। गुड तो है नहीं सर, मैं एक भी बस आपने बता दिया। नहीं है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊं। बस एक ही बैट भी। हाँ बात नहीं मानते बस, और तो सब ठीक है। हाँ ये हैबिट कब चेंज करोगे सर? मैं ये हैबिट तो मैं जब तक जीऊंगा तब तक खेल, हाँ जब तक फिट है जब तक तो खेलेंगे क्रिकेट। हाँ। वो तो इनके मना करने से भी नहीं रुकने वाले। नहीं चलो क्रिकेट से ज्यादा प्यार करते हैं मैम से। दोनों से बराबर है, एक चूज बन। ये मैम का क्वेश्चन है मेरा, नहीं रहना घर पे ही है तो इन्हीं से करता है। और बाहर रहना तो क्रिकेट से। बाहर जाता हूँ बस वही अगले दिन फिर खेलने, फिर मैं सुबह से निकलता शाम को आता। और एक बार तो इसका बर्थडे था सोनिया का, तो मतलब मेरा मैच था सवाई माधोपुर जो यहाँ से काफी दूर है। दिन में था मैच, दिन का ही था मैच, लेकिन मैं सोनिया से बोल के गया कि मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ, शाम के 4 तक। हाँ तो ठीक है, मैच भी हो गया हमारा, 3 बज गए, लेकिन वहाँ कुछ विवाद हो गया। हाँ। तो उस वजह से मेरे को रात के 11 बज गए वहीं। बर्थडे का टाइम निकल गया। यहाँ जो डेकोरेशन थी, डेकोरेशन कर रखी थी, मैं इनसे बार बार बोलूँ मेरे को वो आगे वाले टाइम दे कि बस चल रहे हैं 10 मिनट में चल रहे हैं, तो मैं भी इनको टाइम दूँ कि बस निकल रहा हूँ। मैं जब तक तो सारे बलून सलून्स फोड़ फोड़ा के गुस्सा करके सो गए। लेकिन फिर मैं आने से पहले मेरे को पता था कि मनाना तो पड़ेगा। रात के 12 बजे मैंने बेकरी खुलवाई, रिक्वेस्ट करके भाई से एक था उनको बुलाया। मेरे ये अभी भी याद है, ये गिफ्ट पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट टाइम गया था। हाँ ये एक बर्थडे पे लेके आया था मैं गिफ्ट। ये गिफ्ट मेरे को रात को उसने जो ये 200-300 रुपए का होगा मेरे को 800 रुपए के दिए उसने रात के 12 बजे। इतना प्यार था। हाँ इतना, और फिर उसी के साथ केक लेके आया, फिर 12:30 इसको केक कटवाया सोनिया को। बर्थडे तो चला गया था, बर्थडे चला गया था। हाँ तो आप खुश हो गए थे मैम? फिर नहीं नहीं फिर गुस्सा, लेकिन वो थोड़ा हो जाता ना कि मन तो रखा हो गया था। हाँ कर दिया। तो वो चीजें हैं, बहुत बार हुई है क्रिकेट को लेके तो काफी नोकझोंक हुई है दोनों के बीच में। लगता नहीं इतने क्यूट वाइफ ने घर पर छोड़ क्रिकेट खेलने जाऊं। क्या सोचेगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्रिकेट का है मेरा। अब तो कभी कभी जाते हैं, पहले तो डेली जाते थे, डेली का ही नियम था।
भी अपने क्या भाई आपके मम्मी पापा, मम्मी तो रोज क्रिकेट खेलने जावे, समझाओ उसको आपके पापा को क्या ये अच्छा, मेरी नहीं मानते तो उनकी कहां से मानेंगे क्यों नहीं सासु के आजकल ज्यादा मानना बहू से नहीं मम्मी पापा मेरे को क्रिकेट के लिए कभी मना ही नहीं किया उन्होंने कभी भी जाओ कभी भी नहीं पापा ने स्टार्टिंग में जब मैं कहीं ऐसे ही गाँव में खेलता था तब पापा तो ले लेते थे धुलाई बहुत की है आपकी बहुत बहुत पिटाओ में क्रिकेट कोई सीरियस थप्पड़ मारे आपको बजमा इंजरी हो गई हो नहीं इंजरी नहीं मेरे मतलब हाथ की नसें नहीं ये सूजी रहती थी यहाँ से डंडे मारते थे कुछ पीछे डंडे मारते थे हाथ ऐसे करते थे तो पीछे हाथों में पड़ती थी रोते नहीं था पापा मर गया नहीं ऐसे नहीं खा खा के इतने मजबूत हो गए कि कहां डंडे टूट जाते थे लेकिन वही है खेलना तो फिर भी था तो चलो किस खेल स्टेट खेले इंटरनेशनल में खेल रहे हो क्या मैं अकेडमी में था मैं राजस्थान कोटल्स के ट्रायल में भी गया वहाँ सेलेक्ट भी हुआ मैं लेदर से भी खेले मैंने टूर्नामेंट टेनिस से भी खेले हैं बाकी यही है कि आगे जाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है तो शायद उतनी मेहनत हम लोग नहीं कर पाए और जितना स्कोप दूसरे स्टेट में है क्रिकेट को लेके वो इतना हमारे राजस्थान में नहीं है तो सपना क्या था भाई टीम इंडिया में खेलना या तो सपना स्टार्टिंग से जो बंदा क्रिकेट और बैट ले लेता है क्रिकेट का बैट हाथ में ले लेता है उसका एक ही सपना होता है अगर वो चाहे तो मतलब अगर उसको एक शौक की तरह नहीं अपने जीवन में उसको एक आदत की तरह टारगेट बना के अगर चले तो वही सपना होता है उसका तो मेरा अभी भी एक सपना है कि मैं मेरे को मतलब एक संतुष्टि तभी मिलेगी जब मैं एक बार जो माई भाई है महेंद्र सिंह बिल्कुल उनको मिलना नहीं मैं एक बार मेरी आंखों से देखना ही चाहता हूँ उनको तो स्टेडियम कभी जाओ ना खेलते दिख जाएंगे नहीं अभी मैंने ट्राई किया था बाकी नहीं मिल पाए कोई ना तो मतलब उनसे एक बार मेरे को मिलना भी है करेंगे कोशिश भगवान ने चाहा तो मिलेंगे जरूर उनसे तो आपका क्या सपना है मैम सर ने बता दिया भाई उनसे मिलना है आपको किनसे मिलना किस एक्टर से मिलना है एक्ट्रेस से मिलना है मेरा तो नहीं है ऐसा तो कुछ भी बस इसी फील्ड में आगे बढ़ने का है और कुछ नहीं कितना टारगेट है भाई 2023 में इतने करूँगा क्योंकि 10-15 दिन रह गए सारे नहीं ऐसा टारगेट वारगेट तो नहीं है कुछ भी नहीं चलो 50 मिलियन 100 मिलियन ये छोटा टारगेट तो आपका होगा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है आपका कितना सर मैं हमने कहाँ देखना चाहूँगा आप 2024 में देखो मेरा तो यही है कि जितने ज़्यादा लोगों से हम लोग जुड़ सकें भाई जैसे इतनी मेहनत करके भी जैसे लगभग 4 मिलियन फॉलोअर्स के आसपास पहुंचे हैं सारी चीज़ों को देखते हुए तो यही है कि आने वाले टाइम में 10 मिलियन तक भी पहुंचे हाँ तो चलो मैं लो कोई मूवी ऑफर आ गया और किसी के साथ में काम करेगी कोई दिक्कत नहीं आपने नहीं देखो नहीं। हम लोग मतलब हमारे ट्रेडिशन जो हमारी परंपरा है हाँ। जो उनको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं तो हम लोग उन्हीं चीज़ों में वर्क करना चाहेंगे जिसमें यही ड्रेसअप हो यही सोशल मीडिया पे तो कुछ भी करना पड़ सकता है नहीं हम नहीं हम लोगों को कपड़ा यूज भी करना बहुत सारे ऑफर आए हम लोगों ने नहीं किए क्यों रीजन नहीं हम लोगों को मतलब वैसा फेम चाहिए ही नहीं क्योंकि हमारे से गांव के लोग भी कनेक्ट हैं बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको सोने की वजह से वीडियोस बनाने की अनुमति दी गई है समाज में सारी चीजों में अगर इसकी वजह से किसी के वीडियोस भी बंद हो जाएंगे सारी चीजें हैं और हमको यह है कि देखो सीधी सी बात है लोग हमारे को सादा सिंपल तरीके से देखना पसंद करते हैं अगर हम लोग कभी ना कभी उस चीज में जाएंगे ना तो तब से हमारी एक जो वो जो नींव होती है ना वो कमजोर हो जाएगी नहीं चलो मान लो कोई और आर्टिस्ट के साथ काम करना है तो यही पोशाक है फिर हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है पोशाक कर रखा है ना हमने एक दो गाने भी किए हम लोगों ने चंडीगढ़ में भी होता है कितना होती है आपको कोई और हाथ लगा मैम उसके साथ चल रही हाथ पकड़े सोशल मीडिया है अगर आपको ऐसी चीजों में अगर यहाँ आने के बाद अगर थोड़ा वो हम लोग मतलब पहली बात तो कुछ ऐसी चीज में वो कर ही नहीं रहे कि जिससे जलन की कुछ चीज हो देखो हाथ नॉर्मल चीजें होती है लेकिन वो थोड़ा वो नॉर्मल एक्ट तो करना ही पड़ता है नॉर्मल एक्ट तो करना ही पड़ता है लेकिन वो थोड़ा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले सीन होते हैं ना हाँ, वो नहीं करते वो नहीं आपको जी भी लगता है मैम और हाथ पकड़ रहे हो चल रहे हो किसी के साथ लगता तो है लेकिन फिर करना पड़ता है ना थोड़ा वो तो पैसे का सवाल है ना नहीं बात पैसे की नहीं है बात ये है कि हम लोग जितने भी गाने किए हम लोगों ने ऐसे किए हैं कि नॉर्मली हाँ जो हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हों सारी चीजें ऐसे ही सॉन्ग किए हम लोगों ने तो हम चाहते हैं कि हम हमारे राजस्थान के नाम को हमारे कल्चर को काफी ऊपर तक लेके जाए मेरा समाज का नाम रोशन करूँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सारी चीजों को है तो चलो आप कितने बार प्रपोज करो मैं दिन में एक दिन बताना नहीं घंटे बताना एक घंटे क्योंकि इतना प्यार कर रहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बाकी चल रही है जिंदगी सही है नहीं तो 3.5 मिलियन फॉलोअर हैं आपके उनके लिए आज मैम को लाइव प्रपोज करना है कैसे करोगे वो भी आपको इतना प्यार कर रहे हैं आप मैम को कहना है सिर्फ 3 शब्द कहने हैं 3 शब्द तो यही होता है आई लव यू नहीं मैम की तरफ देखे ऐसे नहीं
आई लव यू रिप्लाई करो आई लव यू टू। अच्छा फर्स्ट टाइम भी ऐसे किया था, फर्स्ट टाइम नाम लेकर आया था उस टाइम तो सोनिया आई लव यू। अच्छा आपने क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला था ना। चलो हट निकल बोल दिया। नहीं चलो, आपको राजस्थान से हरियाणा के भी लोग देखते हैं, पंजाब के भी ज़्यादा ऑडियंस किसके, हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की? सबसे ज़्यादा ऑडियंस अगर देखी जाए तो वो मध्य प्रदेश से है, यूपी से, एमपी से है, हाँ, और उसके बाद दिल्ली फिर मुंबई। राजस्थान, राजस्थान की तो है वैसे ही है, राजस्थान की तो ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ, उसके बाद में एमपी से है, फिर उसके बाद अहमदाबाद, क्योंकि इंस्टाग्राम में ही ऑप्शन आते हैं कि आपको एरिया दिखा देते हैं कि कहाँ के लोग ज्यादा है। फर्स्ट राजस्थान है। हाँ, तो चलो अब मैम को इतना ज्यादा प्यार भी करते हो, एक गुड़िया भी आप पे, अब सपना क्या आगे लाइफ में लेके? सपना ये है कि देखो, एक तो पहली चीज वो होती है कि अपने हम लोगों को कुछ ऐसे काम करने, मेरा एक सपना है, मैं तो मतलब खुद को राजनीति में देखना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री नहीं, ऐसे इतना बड़ा भी नहीं है, बाकी मैं राजनीति को, मेरे को पॉलिटिशियन का मेरे को शौक है, लेकिन मैं कभी मतलब इन्वॉल्व नहीं हुआ इन चीज़ों में पब्लिकली, अभी तक मैं बाहर नहीं निकला हूँ इन चीज़ों में, लेकिन मैं खुद, मेरे को जहाँ तक मेरे को पता है मैं करता हूँ। कर सकते हो चीज़, आप लगता है कॉन्फिडेंस है खुद पे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, करना देखो मैम ये चीज़ सर को, क्या क्रिकेट भी निकलने देते हैं? इच्छा है तो जरूर। चलो ठीक है, मानते हो भाई नहीं है। हाँ, आपकी क्या इच्छा, आप कहाँ जाना चाहो, आप भी राजनीति में देखना चाहो? नहीं, मेरा तो बस इसी फील्ड में आगे बढ़ने का है। तक ठीक है, मेरा सीमित इसमें क्या, ज्यादा माता पौड़ी नहीं रहती ना, और क्या, आराम से अपने काम किए, काम करो बस, खाओ पियो। और क्या सपना था, एक एनजीओ का ही बता रहे थे आप? हाँ, और वो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जैसे हमारे राजस्थान में बहुत सारे क्रिएटर है, तो हम लोग किसी भी क्रिएटर से, ऐसे वो होता नहीं, एक क्रिएटर से हम कॉम्पिटिशन कर सकते हैं कि यार ठीक है, काम कर सकते हैं, उनको देख के उनसे सीख सकते हैं, लेकिन उनसे ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जो पास पास के होते हैं, उनमें जलन भावना भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम लोगों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े, हम लोगों से आगे जाए, ताकि ये होता है ना कि राजस्थान से ही है यार, लोग कर रहे हैं सपोर्ट, और अभी हम लोग एक एनजीओ बना रहे हैं, तो वो स्पेशली हम लोगों की दिल से इच्छा थी दोनों की, क्योंकि अभी महीने भर पहले हम दोनों जयपुर जा रहे थे, सोनिया को बनाओगे अपने गांव में ही बनाएंगे में बनाओगे, तो हम दोनों जयपुर जा रहे थे, तो ऐसे ही ठंड का ही टाइम था, सुबह सुबह महीने भर से सर्दी पड़ रही है, अर्ली मॉर्निंग सुबह ठंडी होती है, तो मैं पानी की बोतल लेने के लिए रुका था, तो एक जो थोड़ा जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम था, तो मैं उतरा ही था पानी की बोतल लेने के लिए, तो वो एक दुकान के बाहर खड़ा था, तो दुकानदार ने उसको पीटा, उसको पीट के वहाँ से भगा दिया, फिर मैंने उनसे पूछा दुकान वाले से कि भाई मार क्यों रहा है, तो उसने बताया कि पागल है ये, तो ये मेरे को वो चीज़ बहुत बुरी लगी उस टाइम, फिर मैं उसको बिस्किट विस्किट दिए, मैंने चाय वाय पिलाई भी, उसके बाद मैंने उसको एक साइड बिठा दिया कॉर्नर पर, अपने हेल्प कर दी, हाँ मतलब एक तरीके से हेल्प कर दी उनको, बिठा दिया उनको, फिर जैसे गाड़ी में आए हम लोग पूरे रास्ते बस एक ही चीज़ डिस्कस करते गए, यार हम लोगों को कुछ करना चाहिए इनके लिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये होता है कि लोग कुत्तों को भी मतलब अच्छा ट्रीट करते हैं, इंसान लोगों को कोई ट्रीट नहीं करता अच्छे से, मैंने देखी है वो चीज़ें, तो फिर हम लोगों ने कैसे किया जा सकता है, ये किसी चीज़ का माध्यम होना जरूरी है, किसी चीज़ को करने के लिए उसको नींव मजबूत होना जरूरी है, तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हम लोगों ने एनजीओ का वर्क किया है, 21 फरवरी से उसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा अपने गाँव में, अपने गाँव में स्टार्टिंग में हम लोग ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कि हो सकता है, मतलब हो सकता है अभी कंफर्म नहीं है इन चीज़ों के लिए, कि राजस्थान में हम लोगों से बेस्ट एनजीओ किसी का ना हो। क्या क्या फैसिलिटी दे इसको आप? उसमें फैसिलिटी है कि स्टार्टिंग में हम लोग कम से कम 50 से 100 जो भी पेशेंट होंगे ऐसे, उनको रखने की व्यवस्था है, उनकी बेड, और गर्मियों के दिनों में उनको ऐसी की फैसिलिटी देंगे, इलाज भी करा हो गया सिर्फ, और हर 7 दिन में मतलब एक स्पेशली जो मेंटली डॉक्टर, हाँ जो मेंटल चीज़ों पे जो रिसर्च करने वाले जो अच्छे डॉक्टर होंगे उनसे कंसल्ट करेंगे, और ज़्यादा तो नहीं, जैसे अगर हर 7 दिन में वो एक बार आके उन सबको देख सके, और हमारी ये इच्छा है कि उनमें से हम देखो वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमारी ये इच्छा है कि हम सब लोगों को उनकी जो मेंटली जो सिचुएशन है उनसे बाहर निकालें, उनको अपने परिवार से मिलाएं। नहीं चलो मान लो उस पर इतना ज़्यादा खर्चा हो गया भाई, आप नहीं उठा पाओ खर्चा, फिर क्या,
नहीं देखो एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हैं कि भगवान ने इतना तो दे रखा है कि हम 50 से 100 आदमियों को खाना खिला सकते हैं, उनकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। सोशल मीडिया से ही, बिल्कुल सोशल मीडिया से ही है, तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। बाकी सब लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, तो उसी के लिए हम लोग अभी एक सहयोग राशि भी रखी हुई है हम लोगों ने 200। हाँ वो उसी का एक माध्यम है, क्योंकि लोग ऐसे जुड़ नहीं रहे थे हम लोगों से, तो वो जब तक ये होता नहीं कि किसी को कोई इनाम पाने की इच्छा भी है, कोई धर्म के काम में भी दे रहा है, तो 251 रुपए की एक सहयोग राशि रखी हुई है जिसमें लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं, तो वो ढेर सारे इनाम भी जीत सकते हैं उसमें, और ये 21 फरवरी को ही आयोजन होगा पूरा। नहीं चलो पैसे दे 251 रुपए, चलो 1000 लोग दिए फिर, मतलब जैसे हम स्कॉर्पियो गाड़ी दे रखी है, इतना ही नाम मतलब नहीं हो पाए, इतने पैसे नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, अपनी दे दोगे सारा, जेब से देंगे, जेब से करेंगे सारा सुधार, बिल्कुल जेब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है उससे पीछे नहीं हट सकते, पीछे नहीं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑन कैमरा, क्योंकि नाम बनाया है, देखो चीज़ें नाम बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन बिगड़ने में समय नहीं लगता, क्योंकि लोगों को चाहिए ऐसी चीज़ें ही चाहिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे कि यार कब इनका आयोजन खराब होगा, लेकिन वो उनका सपना ही होगा, मैं उन कैमरा बता दूं ऐसा नहीं होगा। मैंने आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आपके रिश्तेदार भी हैं सारे, उनको साथ में लेकर चल रहे हो, किसी के मिलियन, किसी के 5 लाख 2 लाख, ये कहाँ से ध्यान में, क्योंकि वायरल होते रिश्तेदारों में बोल जाते लोग। देखो मैं मतलब ऐसी चीज़ें भी देखी है मैंने सोशल मीडिया पे, जिनके फैमिली में अच्छे फॉलोअर्स थे सबके, सब अपनी अपनी लाइफ में सेट है, सब अपने हिसाब से काम करने वाले हैं, तो हम लोगों की वजह से अगर किसी का भला हो, कोई आगे बढ़े तो अच्छी बात है। देखो कोई हमारी जेब से लेके खा नहीं रहा, सबको अपने अपने भाग्य का मिलने वाला है, और हमारा तो यही है कि कोई अच्छा रहे, सारी चीज़ें करे, जो हम लोग उनके जिनके सपने हैं वो पूरे हो, वो अगर हमारी वजह से ये चीजें होती है तो इससे अच्छा कुछ ही नहीं होने वाला। तो क्या समय लक्ष्य में आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके से लक्ष्य में, जब से ये हमारे घर में आई है तो सारी चीजें बदल गई हैं, वो होता है ना किसी का पग पग पड़ते पग पड़ते ही जो पग फेर होता है वो, मतलब मैं वहां अभी तक लक्की था, फिर पग यहाँ पे ज्यादा लक्की हो यहाँ पे ज्यादा लक्की हो क्या बता नहीं चलो सर के सारे रिश्तेदार वायरल कर दिया, आपके कितने रिश्तेदार वायरल वहाँ पर, आपके मामा के लड़के हो, सके मामा की है मैम की, वहाँ टाइम ही नहीं मिलता इनको वीडियोस बनाने का, इनकी बहन है एक अभी आए थे वो, तो उनके 2 वीडियो वायरल हुए, अभी उनके 60-70 हज़ार फॉलोअर्स हो गए 2 वीडियो से ही। हाँ उधर मतलब इंटरेस्ट नहीं है बनाने में, अब भाई बहन है वो छोटे हैं, छोटे भाई बहन छोटे, उनको भी आगे ले आओगे इसी लाइन में, नहीं वो पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। नहीं चलो सबका मतलब एक एम हो, मैंने पिस्सा कमाना है, मेरा भी लक्ष्य है पिस्सा कमाना, लगता नहीं चलो इसी लाइन में ले आवा यार। नहीं नहीं वो पढ़ने में अच्छा है तो उसको पढ़ने में ही, देखो ये चीजें ऐसी होती है कि इनको इसका कोई इनको संभाल के रखना एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर हमारे साथ 34 लाख लोग जुड़े हुए हैं ना, तो मतलब उनको संभालना बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम, क्योंकि सब सब लोगों की माइंडसेट अलग अलग होता है, जैसे आपको क्या चीज चाहिए, मेरे को क्या चीज चाहिए, वो सारी चीज़ें अलग होती है, तो उन चीज़ों को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो धीरे धीरे डिस्क वो भी होने लग जाते हैं, गिरने भी लग गिरने जाते हैं, तो उनको उठाने में समय लगता है, क्योंकि ऐसा टाइम आया भाई एकदम 20,000 फॉलोअर घट गई, 20 क्या 2.5 लाख फॉलोअर्स घटे एक टाइम में ही। हाँ तो क्या होता है उस टाइम में, क्या गलती करते हैं? गलती कुछ ही नहीं हुई थी, जो अपने हेटर्स होते हैं जो जलने वाले होते हैं, तो वो कंटिन्यू रिपोर्ट करते रहते हैं अकाउंट्स पे, तो ऐसी कुछ वीडियोस होती है, मतलब जैसे अपने हम लोग तो जैसे नॉर्मली खाना खाने की ऐसी वीडियोस डालते हैं, तो ऐसी वीडियोस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं कि ऐसे खड़े होके खाना खा रहे हैं। तो दो चैनल आपके फर्स्ट पर लोग क्यों डालते हैं? फर्स्ट पे अभी बीच में वो मतलब हैक भी हो गया था चैनल, किसी ने कर दिया था उसमें, लेकिन वो बाबा के आशीर्वाद से एक अलग टैलेंट नहीं होगा यार, हाँ कॉमेडी कर सके, अच्छा बोल सके, सबसे अच्छा खाना बना अच्छा बना सके, क्या स्पेशल टैलेंट है मैम में वो? इनमें टैलेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मतलब ऑन कैमरा दिखाना नहीं चाहते। क्यों? इनमें एक तो जो इनके जो डायलॉग्स होते हैं, इनकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पे। तो मैम एक डायलॉग वायरल जो वायरल एक साइड, ये डायलॉग नहीं मारते हैं, ये पहेलियाँ पूछते हैं। चलो पहेलियाँ पूछ लो हमसे, पूछ लो आपके जान में
पहली पूछ लो, एक पूछ लो कोई भी जो ध्यान में हो। अरे देख लो स्माइल, देख लो मैम कितनी क्यूट है। इसी स्माइल पर 34 लाख लोग मरते हैं। तो अभी तो इनको पहली भी याद नहीं होगी। कोई क्वेश्चन पूछ लो। वो तो क्या जब बनाते ना तभी देखते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ लो चलो, ऐसे ही किस्सा कैसे बनाते हैं। नहीं सर कि आपका अकाउंट अच्छा चल रहा है, कभी ना ऐसा टाइम आगे नॉर्मल बन के रह जाओगे भाई 10,000 व्यू आओगे 20,000 व्यू आओगे। नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि चीजें हम लोग बदलते रहते हैं समय समय पर। बिल्कुल परिवर्तन समय की मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलो आगे ऐसा टाइम आ गया भाई कुछ और करना पड़ेगा, कॉमेडी ले आओगे वो क्या। हाँ बिल्कुल, अगर हाँ चेंजेस की जरूरत होगी तो जरूर करेंगे कॉमेडी। डांसिंग वगैरह शॉर्ट कपड़े ऐसा ही करना। नहीं नहीं शॉर्ट्स कपड़े वो नहीं कर ही नहीं सकते क्योंकि हम खुद भी कंफर्टेबल नहीं रहते उनमें, तो क्योंकि शुरू से वेयर नहीं किया ना इस वजह से। कभी ऐसे भी नहीं चलो मैंने पर जा रहे वहाँ पर पहले कभी घूमने जा रहे हो वहाँ पर भी नहीं ऐसे नहीं, नहीं ऐसे कपड़े नहीं, बस ये है कि कभी जींस वींस तो कभी मतलब नॉर्मल हाँ सूट वो तो पहन लेते हैं। नहीं चलो कभी ऐसे रील आई भाई कोई लड़की गंदा बोल रही है, आपका क्या थिंकिंग उस टाइम पर रील आ गया किसी लड़की गंदा बोल रही है शॉर्ट कपड़े पहन रही है। नहीं ऐसे देखो सबका अपना अपना पीओवी होता है, सबको अपनी देखो किसी की विचार को किसी के पहनावे को हम लोग बदल नहीं सकते, सबका अलग अलग है। हम लोगों को ये चीजें पसंद हमारे साथ ही बनाते हैं बहुत सारे आते हैं लेकिन नहीं यार वो सब उनका अपना पर्सनल वो है। तो कोई लड़की शॉर्ट कपड़े मैम के साथ पैर के बना हुआ कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो हम हमारे अकाउंट पे नहीं डालते, वो उनके अकाउंट पे। मैम पूरे बस हम लोगों को अपना ध्यान रखना है खुद का। हाँ खुद का ध्यान। हाँ तो चलो कोई ऐसे ब्रांड है मैम ने सपोर्ट नहीं कर दी ना क्या कहना चाहूँगा। देखो मेरा यही है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है और सपने भी एक ही बार देखे जाते हैं लोगों के, तो अगर उनका सपना यही है कि मेरे को इन चीज में आगे बढ़ना है तो उनसे यही है कि सपोर्ट कीजिए क्योंकि अगले जन्म में पता नहीं आप क्या बनोगे हम क्या बनेंगे किसी को पता नहीं है और जिंदगी कोई भरोसा भी नहीं है। तो यही है कि हाथ से हाथ मिला के चलो सबसे अच्छी बात है। और अपनी जो पत्नी है इनकी भी सबसे अच्छी बात है ये बता किसी भी चीज में मतलब कुछ भी करने के लिए बोलूं मैं या कुछ भी बात होना तो कभी रोक टोक नहीं करते। कितने जन्म सर का साथ रहना चाहो आप? 7 जन्म 10 जन्म अगले आने वाले गिरा सात जन्म सात सिर्फ साथ ही। और आप सर बिल्कुल जब 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 मिले जब जब साथ तो चलो सर मेरे एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। मैंने यार जगह देखा कई बार जब लड़का प्यार कम हो जाए लेकिन लड़की का प्यार वही रहता है, आप में से किसका प्यार कम हुआ दोनों में से? किसी का नहीं हुआ, हमारा तो बढ़ रहा है क्योंकि एक छोटा लड्डू हो गया आपके। लड्डू हो गया और अभी है प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है सुनिए इनका जनवरी का है डेट। अब भगवान से क्या कामना करता लड़का लड़की? देखो जो भी हो हम लोगों को एक्सेप्ट है लड़का लड़की, ये सोच नहीं भाई हाँ लड़की हो नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है, आराम से कोई भी हो लड़की हो लड़का हो ये आखिरी होगा लड़की हो। हाँ कोई बात नहीं आप मैम सही है। हाँ वही है लेकिन एक वो रहता है ना भाई लड़की हो गई तो अब लड़का हो जाए बस फिर हो जाए। लेकिन अगर गुड़िया भी हो जाती है तो कोई भगवान के अभी जो फर्स्ट बेबी था हमारा तो मेरी इच्छा थी दिल से कि हमारी लड़की हो और हमें लड़की मिली भगवान की दया से। तो फैमिली में कौन कौन सर आपके में? मेरे फैमिली में 4 बहनें हैं और मैं हूँ, पापा है मम्मी है। और आपके मैम वहाँ पे? मेरे मम्मी पापा है दादी है और भाई है और मैं हूँ। अब अच्छी तरह कदाओ जाओ वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सब खत्म हो गई बिल्कुल। हाँ तो थैंक यू मैम आपको इतना कीमती टाइम दिया, उम्मीद करें अगली बार हम एक छोटा बेबी आपके करोड़ों कमाई हो 100 मिलियन फॉलोअर हो आपको जो भी फंक्शन होगा कुछ भी इनवाइट करेंगे और आपको आना भी पड़ेगा जरूर तो बार देख रहे हैं बिल्कुल। तो मैं क्या कहना चाहोगे मैम हरियाणा वालों को? तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखे, भैया को भी सपोर्ट करें। अरे देखो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी टारगेट को लेके चलना, अगर ये लोग इतनी ठंड में 500-600 किलोमीटर ट्रेवल करके हम लोगों का इंटरव्यू लेने आ सकते हैं तो सोचो कितने मेहनती होंगे। तो इनकी मेहनत दिखती है, पूरी रात सोए नहीं खड़े हो गए ट्रेन में, तो भाइयों को दिल से सैल्यूट है हम लोगों को, तो क्योंकि हम लोगों को इतना
देखो चीजें होती है, हम लोगों का होता है एक मान सम्मान होता है, तो हम लोगों को अगर किसी भी चीज में अगर कोई भी कमी रही नहीं, हो नहीं, तो उसके दिल से उससे फालतू करिए आपने तो नहीं नहीं बिल्कुल। तो इनको भी जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने हम लोगों को दिया है उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि ये आने वाले टाइम में हम जैसे और भी जो क्रिएटर्स हैं उनकी लाइफ को, उनकी जो जर्नी है, उन्होंने किन चीजों का सामना किया, वो सारी चीजें आपके सामने ला सके। तो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। तो अगेन थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट टाइम स्माइल कर दे एक बार। तो थैंक यू गाइस आपका ये पूरी वीडियो देखने का। तो वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगे नीचे कमेंट करके जरूर बता दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय राजस्थान। राम राम सभी को।